ओह करना दे, चलो मैं जाके देखाता हूँ। तो हेलो गाइस, तुम्हारा भाई मनोज पुंडीर फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ आ गया है। और आज का ब्लॉग है हमारा, दिखा दो कहाँ का ब्लॉग है। तो चलो बता देता हूँ, आज का ब्लॉग है हमारा उत्तराखंड गढ़वाल श्रीनगर, ठीक है। तो अभी मैं जहाँ आ रहा हूँ वो मैं पूरी लोकेशन दिखाता हूँ आपको। ये पूरी लोकेशन है, देखो आज मैं ना आपको अपने श्रीनगर गढ़वाल की पूरी दिवाली सेलिब्रेट दिखाऊंगा, ठीक है भाई। जैसे करते हैं सेलिब्रेट वैसे वो सब कुछ दिखाऊंगा। वो देखो वहाँ वो पूल दिख रहा है, वो पूल है। यहाँ ये बंदे पत्थर हटा रहे हैं, वहाँ वो बंदा फिशिंग कर रहा है भाई। बहुत ही शानदार है, एक नंबर व्यू है। अभी मैं आपको सब व्यू दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। और पूरा आज मैं आपको ना श्रीनगर गढ़वाल गोला बाज़ार, वहाँ मेरा बुआ का घर है, मैं वहाँ आ रखा हूँ रहने के लिए कुछ दिनों के लिए, फिर चले जाऊँगा। तो आज मैं आपको वहाँ का पूरा गोला बाज़ार दिखाऊँगा, क्या रौनक रहती है वो सब दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है गाइस। तो बने रहना वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो भाई को। तो चलो आगे व्यू दिखाता हूँ मैं आपको पूरा। देखो वो जो है ना ब्लू ब्लू सा, वो है श्रीनगर गढ़वाल का डैम। वहाँ वो एक कोने पर है, उस कोने पर वहाँ से वो पानी, शायद बंदे क्या बोलते भैया लोग कि जो पानी रुकता है उसकी बिजली बनाते हैं, फिर उसके बाद पानी को रिलीज़ कर देते हैं सारा गंगा में। वो फ्लाईओवर है, इस कोने से उस कोने पर जाने के लिए फ्लाईओवर बना रखा है। बीच में पूरी नदी है, अभी वहाँ जाके भी दिखाऊँगा। देखो ये नदी से पत्थर हटा रहे सारे, वहाँ बंदे फिशिंग कर रहे हैं, वहाँ भी बंदा फिशिंग कर रहा है। बहुत अच्छा व्यू है, अभी आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ। है देखो कितना अच्छा व्यू है, एक नंबर का व्यू भाई। यहाँ और यहाँ ना भाई शाम को 6 या 7 बजे डैम पानी छोड़ता है ना, तो एक हॉर्न सा पहले शेयर करता है सबको कि कोई भी आगे आसपास है अगर पानी के तो वो साइड हो जाओ। फिर उसके बाद डैम पानी रिलीज़ करता है सारा का सारा अपना। कोई एकदम ही पानी के पास आ गया है। इस पानी में मछलियां भी रहती है, राइट आगे देखो ऊपर, ये माना फिशिंग कर रही है, बोलते मछली पकड़ रही है, अपने खाने का ढूंढ रही है वहाँ। ये देखो वो पकड़ रही है, बाकी डैम देखो कितना अच्छा लग रहा है यार व्यू। और एक वो अंकल भी है वहाँ पे, वो पानी के अंदर से आ रहे डंडे ले लेकर, दिख नहीं रहेंगे दिखे वो रे। तो चलो अब जो भी अब आगे जाऊँगा ना, देखो डैम ये रहा कितना बड़ा है यार और कितना सुंदर है। तो चलो अब थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। ये साइड जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे जो पत्थर होते ना भाई, इन पे ना बहुत ज़्यादा पैर फिसलता है यार, एकदम ये खड़ी चोटी पर करके रखते हैं ये। देखो भाई यार ये कितनी मेहनत करते हैं यार इतनी धूप में। और वहाँ देखो अब कितनी सारी काइट आ गई, ब्लैक काइट आ गई, देखो वहाँ कितनी सारी, वहाँ फिशिंग कर रही है। चलो मैं उनके पास चल के दिखाता हूँ, है ना आपको। देखो लाइन बारिश एक एक करके पानी के अंदर अपना शिकार पकड़ रही है वो। चलो मैं आपको वहीं जाता हूँ और वहीं जाके दिखाता हूँ, है ना। भाग कर जाता हूँ जिससे वो भाई, ये जो काइट है ना बहुत ही छोटी छोटी फिश अपनी देखो पंजों पर फंसा रही हैं और उड़ते उड़ते अपनी डाइट पूरी कर ले रही हैं। देखो कितनी सारी काइट हो गई यार, अलग ही व्यू आता है यार इन्हें देखने में। देखो ये पकड़ी और वो वही खा जाएगी, उड़ते उड़ते खा जाएगी। मैं उन भाइयों के पास नहीं जा सकता, नहीं तो उनके पास जाके ना आपको मैं दिखाता कि उन्होंने कितनी फीस पकड़ी कितनी नहीं पकड़ी, सब दिखाता मैं आपको।
देखो भाई मुझे फिश दिखी, देखो देखो वो जा रही, वो जा रही, वो जा रही, तो तीन तीन चार चार एक साथ, बहुत ही छोटी छोटी फिश है यार, गायब हो गई। स्पीड भयंकर यार, क्या स्पीड है ये। यहाँ फिश छुपी हुई है पत्थरों के बीच में, इतने तेज चल रहा है पानी, देख रहे होगे आप कितना तेज चल रहा है पानी, और उतनी तेजी में देखो वो अंकल वहाँ इतनी दूर जाके जाला बिछा रहे हैं, फिशिंग के लिए नेट कर रहे हैं यार, और एक जगह पे खड़े हुए हैं इतना तेज बहाव में यार, ये भी बहुत हिम्मत का काम है भाई। मेरी खुद हालत ख़राब हो रही है इससे नीचे जाने में, और वो अंकल इतने दूर हैं। और ये आपको घर दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये भाई पहाड़ों के ऊपर हैं ये घर, ये जो ये जितने भी आपको घर दिख रहे हैं ना, ये इस एरिया में जो ये सारे गांव वाले जिस मार्केट में आते हैं ना मार्केटिंग करने, अभी वो मार्केट भी दिखाऊंगा मैं आपको, है ना, कहाँ है वो। तो चलो अब उस उसके पास चलते हैं पुल पे, उससे थोड़ा ऊपर का व्यू दिखा के फिर चलता हूँ मैं गोला बाज़ार की साइड। चलो अब आगे चल के दिखाता हूँ यार। चलो भाई वहाँ से तो हो गया, अब थोड़ी चढ़ाई चढ़ के जा रहा हूँ ऊपर की साइड, फिर ऊपर चढ़ के मिलते हैं, है ना। वहाँ था मैं, अब वहाँ से ऊपर जा रहा हूँ उसके पास, तो फिर दिखाता हूँ, है ना, बने रहो वीडियो में। भाई उस पुल पे ऊपर जाने का रास्ता ये है, आवाज़ आ रही होगी ना, अभी गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी आएंगी। ये पार्क बना रखा भीमराव अम्बेडकर का, तो पुल पर चल के दिखाता हूँ मैं, है ना, चढ़ लूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। ये रहा फ्लावर, यहाँ पे भी ये शूटिंग शूट कर रहा अपना ब्लॉग, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, है ना। तो भाई फ्लावर पर आ गया, खूब मज़ा आ रहा है, है ना, पीछे भी बंदे आ रहे हैं बहुत पैदल वाले, अभी गाड़ी वाला कोई नहीं आ रहा, तो मैंने इसलिए सोचा यार फ्रंट से बना लूँ। तो चलो भाई फिर चलता हूँ मैं वापस, और फिर गोला बाज़ार दिखाता हूँ आपको। भाई अब नीचे आ गया फ्लाईओवर से भी, अब जा रहा हूँ मैं गोला बाज़ार की साइड, तो वहाँ गोला बाज़ार जा कर दिखाता हूँ आपको, है ना। तो भाई अभी तो मैं उस फ्लाईओवर पर था, देखो वहाँ ना वो एक भैया अपने बेटे से शायद ब्लॉग शूट करवा रहे हैं, जब मैं वहाँ था तो वो उस टाइम भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। पहले की नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे भी नदी का, यहाँ का पानी बहुत गंदा हो रहा है, वो नया पुल, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, तीन पुल बना रखे हैं, एक दो तीन, इस कोने से उस कोने तक जाने के लिए फ्लाईओवर बन रहा है। तो अब चलते हैं, चलो श्रीनगर की साइड गोला बाज़ार। भाई खड़ी चढ़ा एकदम जल्दी, दोपहरी में तुम्हारे लिए ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, भाई कर देना यार शेयर लाइक, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना यार, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो भाई को। यहाँ पे बिना बंद करे बाइक आती है और चालू करके जाती है, ये फील्ड है भाई, यहाँ पे ना हर साल क्रिकेट मैच होता है इस फील्ड में। जा रहा हूँ, वो आ गया गोला बाज़ार श्रीनगर, तो चलो आगे दिखाता हूँ। गणेश मंदिर, गणेश बाज़ार, तो यहाँ से स्टार्टिंग है और एंडिंग तक चलेंगे, ठीक है भाई, एंडिंग तक चलेंगे, सारा देखते रहना आप लोग कवर करके।
ये है राम ज्वेलर्स घर के आगे, तब दिखाता हूँ आपको ओला बाजार तक। बस आज इतने चहल पहल नहीं है क्योंकि कल दिवाली है इसलिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ओ आज दिवाली है इसलिए, तो दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली पर बहुत क्राउड था भाई, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, यहाँ की गायें इतनी रहती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। भाई गोला बाजार पूरा, और अलग ही एंट्री का भाई पूरा गोला बाजार है। ये उन वासियों के लिए वीडियो है जो मेरे दिल्ली के खिलाड़ी हैं। अच्छा जी, जायका रेस्टोरेंट है, जायका बड़ा ही खत्म वीडियो भाई जी। ये है श्रीनगर का बस अड्डा, अब मैं जा रहा हूँ JNTI। ये भाई मेन रोड, मैं जा रहा हूँ भाई JNTI। भाई ये रही वो JNTI पार्क, अंदर दिखाऊँगा बम्की मार्केट, और ये मेडिकल हॉस्पिटल है यहाँ पे। चलो आगे दिखाता हूँ पटाखे के मार्केट में घुस के, फिर तो आराम से चढ़ा 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 ही। भाई हो गई JNTI की मार्केट स्टार्ट, दिखाता हूँ मैं आपको हल्की सी झलक। बस ये पार्किंग, ये सारे पटाखे की मार्केट है, पूरा गांव आता है यहाँ लेने। गाइस फाइनली वीडियो एंड, आज की वीडियो में बस हमारा ये था कि मैं आपको उत्तराखंड के बारे में दिखाना चाहता था कुछ कुछ जगह जो यहाँ की फेमस है। एक जैसे डैम हो गया, एक जैसे वो पार्क था वो वाला, एक JNTI पार्क और एक गोला बाजार, ये सब मैंने आपको दिखाया ब्लॉग में, ठीक है भाई, वीडियो में पूरी। तो मैं अभी हफ्ते भर यहीं हूँ, श्रीनगर में ही हूँ, ये मैं आज वीडियो अपलोड कर दूँगा, पूरी की पूरी वीडियो अपलोड। तो भाई मुझे पता है मुझसे कोई मिलने तो आएगा नहीं, पर फिर भी यार मैंने वीडियो डाल दी, जो मेरे दोस्त भाई लोग होंगे वो आएंगे मिलने, भाई वेलकम है, दिल से मैसेज कर देना जिस भाई को मेरे से मिलने आना हो श्रीनगर, भाई मैं यहीं हूँ। तो चलो अब आपको ना जहाँ मेरी बुआ का घर है उसके टॉप पर छत पे चढ़कर मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, और जो जो जगह फेमस है वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो चलो आगे चल के दिखाता हूँ आपको वोरा पुल और वोरा डैम। एक वो नया पुल वो बन रहा, नए दो तीन पुल बन रहा है वहाँ पे नए नए। देखो जो भाई वो पहाड़ के घर है ना, वो सारी शॉपिंग करने ना, जो मैंने आपको दिखाया था ना श्रीनगर गोला बाजार, वहाँ आते हैं सारे शॉपिंग करने, गाँव के सारे जितने भी छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ये सारे गांव वाले यहीं आते हैं। और ये है मेन मार्केट, वो अपने अग्रवाल भैया हैं,
ये राम ज्वेलर्स, और वो जहाँ पे वो पेड़ है वो गोला बाजार है। ये बाकी सारे देखो घर, कितना अच्छा व्यू है यार, एक नंबर का व्यू है। तो थोड़ी धूप हो रही है। बाकी ये संस्कृत पढ़ने वालों का, बच्चों का स्कूल है ये। ये मेरी बुआ का घर है, तो और वो जिम भी है भाई वहाँ पे। चांदनी चौक है यहाँ पे भी। तो चलो भाई वीडियो को एंड करते हुए, भाई अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को भाई शेयर करना, अपने उत्तराखंड को शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और बहुत सारा प्यार दो। तुम्हारा भाई बहुत जल्दी दूसरी वीडियो भी लेके आएगा एक दिवाली के ऊपर। तो चलो भाई चलते हैं एंड वीडियो। बाय बाय, टाटा।